भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट अजीत शर्मा ने युवाओं से अपना लक्ष्य स्पष्ट रखने तथा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपनी योग्यता के अनुरूप अन्य क्षेत्रों में भी प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया है। आयुष कोचिंग कंपटीशन क्लासेज में युवाओं को करियर काउंसलिंग की क्लास के दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बागेश्वर के युवाओं में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन युवा वर्ग सिर्फ सरकारी नौकरी की धुन के साथ तैयारी करने के बजाय अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने की योग्यता तलाश करेंगे तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नौसेना के लेफ्टिनेंट अजीत शर्मा ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वह बच्चे की योग्यता के अनुसार तैयारी कराएं, अपनी इच्छा कभी भी बच्चे पर थोपने का प्रयास न करें। कोचिंग सेंटर के संचालक पंकज कांडपाल सहित अन्य अभ्यर्थियों ने लेफ्टिनेंट अजीत शर्मा का स्वागत किया। मैं लेफ्टिनेंट अजीत शर्मा हूँ और मैं भारतीय नौसेना में हूँ और आज मुझे अवसर मिला ये आयुष कोचिंग एकेडमी में आने का। यहाँ पे बच्चों से जिनसे मैं मिला बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हैं और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और इनमें क्षमता भी है बहुत कुछ करने की, सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक प्रॉपर गाइडेंस की है, एक छोटा सा दायरा है, एक छोटी सी सोच है जहाँ तक वो सीमित हो चुके हैं, उसके बियॉन्ड जो वो कर सकते हैं वो उनको नहीं पता। तो मेरा मकसद यही था यहाँ आके कि मैं उनको ये चीज़ बता सकूँ कि कितना कुछ है यहाँ से बाहर और कितनी सारी चीज़ों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं या जिनके लिए वो एलिजिबल हैं, वो उनको बताऊं कि वो उस तरीके से सोच सकें और उसके लिए फाइनली अप्लाई कर सकें एंड कुछ बन सकें, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से फिक्सेटेड ना हो जाए या माइंड फिक्स ना कर ले कि यही चीज़ है जो मुझे करनी है, या किसी भेड़ चाल में ना बैठकर कि ये सब यही करना चाहते हैं और ये इस पर्टिकुलर शहर से या गांव से यही जनता है जो ये सोच रही है मैं भी यही करूं तो मेरा कुछ हो जाएगा। तो मेरा मकसद यही था कि मैं इन सबको ये चीज़ बताऊँ और बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत जानने को मिला कि यहाँ लोगों में किस तरीके की तकलीफ़ें हैं जो मैं शहर में होकर सोच नहीं सकता था, वो चीज़ें मुझे आज यहाँ पे आके पता लगी हैं कि किस तरीके की परेशानियाँ बच्चे झेल रहे हैं और उसके बाद भी वो पढ़ाई को एजुकेशन को इतना महत्व दे रहे हैं और इतना कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए कई बच्चे 20 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं और स्कूल में फिर उसके बाद 22 किलोमीटर यहाँ, इतना ज़्यादा चलना और इतना ज़्यादा मेहनत परिश्रम उसके बाद भी पढ़ाई करना, तो ये बहुत ही उम्दा बात है और मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा मेरे से जितना हो सके मैं डेफ़िनेटली करूँगा और यही चाहूँगा कि बच्चे बहुत कुछ करें और जो कि इनमें डेफ़िनेटली क्षमता है करने की। एक तो टेंडेंसी ये रहती है कि गवर्नमेंट जॉब ही करी जाए तो गवर्नमेंट जॉब इस बीच कम भी हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में कितनी संभावना इस तरह के लोगों के लिए होती है युवाओं के? देखिए मैं आपको इस बारे में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब ही एक रोज़ी रोटी या कुछ अच्छा ज़िंदगी में करने का ज़रिया नहीं है। मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सेल करने में मदद करेगी लाइफ में। ज़्यादातर लोगों की सोच यही होती है सरकारी नौकरी को लेकर कि हम पेंशन मिले हमें और हम एक अस्पताल या इस तरीके के खर्चों से बच जाएं। आप एक सही अनुमान लगाएं तो अस्पताल वगैरह का खर्चा इतना नहीं होता कि जिसके वजह से सोच के आप बिल्कुल ही सरकारी नौकरी में करें चले जाएं और फिर बाद में अपने आप को रियलाइज़ ना कर सके कि मैं क्या पता प्राइवेट नौकरी में इससे भी अच्छा कर सकता था। मेरे साथ के जो दोस्त हैं जिन्होंने बीटेक किया है वो आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा इन सब जगहों में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बट वहाँ जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे भी एक्सेल किया और तभी उनकी कंपनी की तरफ से वो वहाँ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट जॉब नहीं ले सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब कम हो या ज़्यादा हो आपका एम है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और आपको ये करना है तो वेल एंड गुड, आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप अपना माइंड फिक्सेट मत कीजिए अभी इस समय जहाँ पे बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं लेकिन उन्होंने फिक्सेट कर लिया है कि मैं यही करना चाहती हूँ ये करना चाहता हूँ। वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे वो करें क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो शहर में रहने वाले बच्चों को पता होता है उनको नहीं पता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको वो चीज़ों के बारे में पता हो ताकि वो ये सोच सके क्या पता मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो वो झेल रहे हैं उनके बावजूद वो अगर इस एजुकेशन को इतनी महत्व दे रहे हैं तो आई थिंक उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर है। पहली बात तो क्योंकि चाह है तो डेफिनेटली कैलिबर तो है ही है और वो कर सकते हैं अच्छा,
और रही बात अगर प्राइवेट जॉब की एलिजिबिलिटी के लिए, कितने एलिजिबल हैं, कितने चांसेस हैं इनके होने के, तो चांस सिर्फ इस चीज़ पे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि उनको अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत है या हाथ टाइट है तो नहीं कर सकेंगे। डेफिनेटली एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अंग्रेजी कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जिसे नहीं सीखा जा सकता, या फिर अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई इंटरव्यू नहीं क्रैक होगा। डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए, इवन फौज में भी जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए आप देखते हैं, तो अगर आपकी अंग्रेजी में थोड़ा हाँ टाइट है तो आप हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके बोलते हैं, तो वो ये आपकी कैपेबिलिटी को काउंट करते हैं कि आप में एक क्वालिटी है अपने आप को बढ़ाने की, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाएंगे। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है, ना कि आपका माइनस कि आप हिचकिचा रहे हैं और आप थोड़ी अंग्रेजी बोल रहे हैं थोड़ी हिंदी। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं। और प्राइवेट नौकरियों में जो इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे वो इंग्लिश डिमांड करते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं सीख सकते, बट हाँ इनको जिस तरीके के एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ये एफ़र्ट्स कंटिन्यूस होने चाहिए। इंग्लिश सिखाने के लिए मैं जब तक हूँ यहाँ पे मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा, और इनके पास मैडम है ये, वो इनको सिखाती हैं, ये सीखेंगे और डेफिनेटली सीख के ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। जो बच्चे सर आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी होना चाहिए उनके लिए? देखिए आर्मी के लिए सबसे पहले तो जैसे मुझे यहाँ आके ये पता लगा, आर्मी में उनको यही नहीं पता था कि ऑफिसर की एंट्री क्या होती है। वो जवान ये सोच के कि मैं जवान बन जाऊँगा, बस मैं एक दौड़ लेता हूँ और फिज़िकल एफर्ट्स कर लेता हूँ। एक चीज़ जो डेफिनेट है वो ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट। मेरे पिताश्री आर्मी में थे और मैं आज जो भी हूँ उनकी गाइडेंस, उनकी मदद और उनके सपोर्ट की वजह से हूँ मैं आगे कर पाया, तो सिर्फ उनका हाथ था और इसीलिए कर पाया। तो पेरेंट्स के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर इम्प्रूव हो, आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाएँ, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और एजुकेशन एक सही राह दिखाना ये आपका काम है। वो एजुकेशन में आगे ये करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे किसी चीज़ के लिए, आप उन्हें रोकिए मत, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर वो कोई सपना देख रहे हैं तो उसका एक ज़रिया बनिए उनके लिए उस सपने तक पहुंचने का। दूसरी बात, आर्मी में जाने के लिए मैंने आज बच्चों को बताया कि क्या क्या ऑफिसर की एंट्रीज हैं। आप डिग्री कर रहे हैं और आप एज अ जवान जाना चाहते हैं, ये जस्टिफाइड ही नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि जवान होना कोई बुरी बात है ऐसा कुछ, क्योंकि जवान से भी आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, उसके लिए भी एंट्रीज हैं फौज में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। बट जब आपका कैलिबर इतना है कि आप एक ऑफिसर बन सकते हैं तो क्यों ना। तो इसीलिए मैंने इनको बताया है, और डेफिनेटली मैं सब ये कहूँगा, शेयर डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। आप आर्म फोर्सेज में जा रहे हैं तो फिज़िकल एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि आप अपना फिज़िकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ फौज आज वो फौज नहीं रह गई है जहाँ पे सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है, आपकी क्वालिफिकेशन भी उतनी ही रिक्वायर्ड है, आपकी इंटेलिजेंस भी उतना ही रिक्वायर्ड है। तो पढ़ाई में रहिए, उतना ही पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ, और इंटरनेट आजकल हर किसी के पास है, स्मार्टफोन ज़्यादा अफोर्ड करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट नहीं है आज की डेट में। तो आप स्मार्टफोन पे देखिए, गूगल की जब एंट्रीज आती है आप अप्लाई कीजिए, एलिजिबिलिटी आपकी है, आपको पता लग जाएगा उस नोटिफिकेशन में, आप अप्लाई कीजिए और आप डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फौज के लिए सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है एक फिजिकल एफर्ट्स, आपकी फिजिकल फिटनेस एंड आपका इंटेलिजेंस, जो कि इतना ज़्यादा फौज नहीं डिमांड करती जितना कि आप प्राइवेट कंपनीज वगैरह में देखेंगे। तो इट इज़ नॉट टफ टू क्रैक, इट इज़ नॉट वेरी टफ टू क्रैक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।